परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वे लोग खामोश होते हैं जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सिवान न्यूज। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के एक छोटे से गांव तेलमापुर में। और मैं बता दूं कि यहां एक ऐसे शख्स से आज हम आपको मिलवाएंगे जिसके आज हुनर जमाने में सर चढ़कर बोल रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेलमापुर निवासी देवेश कुमार सिंह की। देवेश जी हैं, जो आपको मैं बता दूं कि एक ऐसे जनरेटर, एक ऐसे डीजी को इन्होंने, डीजी कह लें या जनरेटर कह लें, ऐसे जनरेटर को इन्होंने इन्वेंट किया है जो बिना किसी फ्यूल यानी बिना किसी ईंधन के चलती है और पॉल्यूशन फ्री है, यानी कि पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती है। और इस जनरेटर से मैं इन्हीं से बात करूंगा कि क्या कुछ किया जा सकता है, कितने वाट बिजली पैदा की जा सकती है, क्या क्या चलाया जा सकता है। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक छोटे से गांव में इन्होंने इतने बड़े चीज़ को इन्वेंट किया है। कैसे किया है, क्या कुछ लगा, सीधे इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सिवान न्यूज में आपका। नमस्कार देवेश जी, बता दीजिए कि सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप, आपका परिचय आप अपना बता दीजिए, कहाँ से आपने पढ़ाई की, कैसे किया, कि कैसे दिमाग में आया इस जनरेटर को इन्वेंट करने के लिए। मेरा सर हाई स्कूलिंग अरुणाचल प्रदेश से हुआ है और मैंने साइंस से पढ़ाई किया था। उसके बाद हायर स्टडीज के लिए मैंने बेंगलोर गया, उसके बाद वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कम्प्लीट करके अभी जो फ़िलहाल जो लॉकडाउन आई थी तो ये इसका थ्योरी तो मैं बहुत पहले से काम में लगा हुआ था। बाद में थ्योरी को पूरा करने के बाद मैंने प्रैक्टिकल पे काम करना शुरू कर दिया। फिलहाल 9 महीना पहले जब मेरा ये काम शुरू हुआ, 1 महीना पहले इसको कंप्लीट हुआ गया और इसको ट्रायल पे रखा गया। ट्रायल इसको विभिन्न प्रकार के लोड दे के इसका ट्रायल को पूरा किया। अब ये मशीन पूरी तरह से सक्षम है, तो इस मशीन से बिजली जनरेट होती है और इस मशीन को गांव शहर सब जगह बिजली की उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और रहा बात गाड़ी में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हर एक जगह में इसको इंस्टॉल किया जा सकता है और बिना पॉल्यूशन के। और इससे क्या होगा कि कोई भी, मान लीजिए ट्रेन हो, ट्रेन को भी हम लोग इसको इंस्टॉल करके ट्रेन को भी चलाया जा सकता है। और ट्रेन में अगर हम लोग लगा इसको इंस्टॉल करते हैं तो पटरी के ऊपर बिजली का तार बांधने का जरूरत नहीं है। ये जानना चाहेंगे आपको आइडिया कहाँ से आया, आपने कब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की और कब से इसमें लगे हुए हैं? सर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2012 में कंप्लीट किया, उसके बाद तब से मैं इसी काम में लगा हुआ था, तो फिलहाल 1 महीना पहले ये कंप्लीट हुआ है। मतलब 12 के बाद लगातार 8 वर्षों का कठिन सफर आपने तय किया, उसके बाद इस मतलब चीज को आपने इन्वेंट कर पाया है। आठ साल लगे हैं आपको। 8 साल से आप घर पे ही थे या फिर कहीं रहते थे दूसरे जगह? बेंगलोर में ही था सर। बेंगलोर में ही था। जी। मतलब यहाँ पे कब आए गांव में? यहाँ मुझे आके सर 10 महीना हुआ है। 10 महीना आते ही मैंने काम शुरू कर दिया। अच्छा, आते ही आपने धड़ल्ले से काम शुरू कर दिया। पूरा आइडिया वहीं से लेके आपने आया था और यहाँ पे मतलब 9 महीने में आपने इस जनरेटर को बना दिया कम्प्लीटली। इसको कितने छोटे स्तर से लेके कितने बड़े स्तर तक चलाया जा सकता है, एक बार आप बता देते हैं? सर इसको 500 वाट से लेके मेगावाट तक भी इसका बिजली जनरेट किया जा सकता है। मान लीजिए 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, या हेवी ट्रक्स हो, या रेलवे हो, या हाउस होल्ड हो, या रेलवे हो, सभी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बिना पेट्रोल डीजल के और बिना पॉल्यूशन के। चलिए अब आपके मशीन की बात करते हैं, थोड़ा मशीन को दिखाएं कि कैसा है इनका मशीन। आप थोड़ा साइड में आ जाएं। ये जो मशीन है, ये जो इतना बड़ा ढांचा है, जो आपने बात कही कि इसे किसी भी चीज़ में यूज किया जा सकता है, तो वो क्या होगा? मतलब इस केवल मशीन इसी ढांचे में चल सकती है या कहीं भी फिट बैठ सकती है? सर कहीं भी फिट कर सकते हैं इसको। कहीं भी फिट? जी कहीं भी। मान लीजिए छोटा पावर चाहिए तो उस लाइक छोटा मशीन बना के उसको फिट किया जा सकता है और उससे चल सकती है हर एक चीज़। तो ये जो अभी आपने ये जो मशीन बनाई है, ये तो बिल्कुल डीजी की तरह दिख रही है। ये क्या है, इसके बारे में जरा बता दें हमें। सर ये वोल्टेज है, इसमें डबल अल्टरनेटर लगा हुआ है, दोनों का पैरेलल कनेक्शन में है। और सर ये एम्पियर है, डीसी लाइन कितना
इनपुट हो रही है, कितना आउटपुट हो रही है, ये डीसी लाइन बताएगी। जितना ए एम्पियर मीटर लिखा हुआ है ये डीसी लाइन को बताएगी, और ये जितना वी जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है ये एसी लाइन की वोल्टेज को बताएगी, कितने वोल्टेज ड्रॉप डाउन हो रही हैं, कितना इनपुट है, कितना आउटपुट है, सब बताएगी इसमें। तो आपने ये जो मशीन बनाई है इससे कितने किलोवाट की बिजली उत्पन्न की जा सकती है और कितने लोगों को बिजली दी जा सकती है फिलहाल? सर ये मैंने 15,000 वाट्स का मशीन बनाया है जनरेटर, और फिलहाल मैंने इससे 13,000 वाट्स बिजली जनरेट किया है। 13,000 वाट्स? जी जी जी। तो एक बड़े गांव को बिजली दिया जा सकता है, अगर शहर को देना है तो और इससे बड़ा बना के दिया जा सकता है। मतलब अभी जो ये मशीन है इससे आप अपने पूरे गांव को बिजली दे सकते हैं? जी जी जी, इजीली एकदम जी, आराम से सर। मतलब जो भी उपकरण है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, सारे कुछ चल सकते हैं? जी 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 सर, बिल्कुल सब चल सकते हैं सर। अभी हम देख रहे हैं कि आपने बल्ब भी लगाया हुआ है, इससे कितने बल्ब आप एक बार में जला लेते हैं? सर फिलहाल तो सर मैंने इसमें 65 बल्ब कनेक्शन किया है, और चाहे तो और भी कनेक्शन में दे सकते हैं, अभी भी और भी कैपेसिटी है इसका। जी जी जी, जी। तो ये दर्शकों आप देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है, ये 65 बल्ब्स हैं जो ये जलाकर भी दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद। अभी फिलहाल मशीन के बारे में बात कर लेते हैं, जो आप कह रहे हैं कि पॉल्यूशन फ्री है और बिना किसी फ्यूल के चलती है, तो आखिर किस चीज़ से चलेगी ये, क्या है ये, आप सेक्रेट रखेंगे या फिर हमारे दर्शकों से आप बताएंगे? सर इस चीज़ में सर कुछ तो सीक्रेट रखना पड़ेगा मुझे, और फिलहाल मैं बता रहा हूँ इसका टेक्निकल जिससे चल रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड से चल रही है, जिससे कि अल्टरनेटर रोटेट करती है, जिससे अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो रही है। तो ये सारा काम मैग्नेटिक फील्ड से हो रहा है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मतलब आप बिजली क्रिएट कर रहे हैं? जी जी जी, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया जा रहा है, जो मतलब ऊर्जा आप क्रिएट कर रहे हैं, जो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हो रहा है। अब ये किस चीज से हो रहा है ये एक सीक्रेट रहेगा, क्योंकि ये अगर ये सक्सेसफुल होता है ये मिशन इनका, तो ये इसके बाद ये पेटेंट लेंगे, उसके बाद उस चीज उस राज को खोला जाएगा कि आखिर कैसे वो बिजली क्रिएट होगी। क्या आप भीतर भी कुछ दिखाना चाहेंगे तो दिखा सकते हैं, अगर वो आपका सीक्रेट है तो उसे रख भी सकते हैं, तो अगर आप दिखाना चाहें कैसे स्टार्ट होता है कम से कम वो तो दिखा सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक छोटी सी मशीन है, छोटी नहीं बड़ी ही कहेंगे, और ये एक बहुत ही मतलब शानदार चीज़ है, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि इस मशीन से पूरे गांव को बिजली दी जा सकती है। यहां पर जो बिजली हमारे यहां आती है उसके लिए बहुत सारे रुपये खर्च किए जाते हैं, सरकार बहुत सारे रुपये खर्च करती है, और ये काफ़ी ही कम खर्च में पूरे गांव को बिजली दी जा सकती है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको इन्होंने देवेश जी ने इन्वेंट किया हुआ है। अब ये भीतर हम लोग इसके देखेंगे कि कैसे आखिर ये बिजली कैसे शुरू कैसे स्टार्ट होगी और कैसे दिया जाएगा। ये एक चीज़ सीक्रेट ये रख रहे हैं, क्योंकि ये पेटेंट कराएंगे उसके बाद उस चीज़ को खोला जाएगा। तो स्टॉप करना। तो देखिए मशीन के भीतर ये बैटरियां लगी हुई है, और जो इन्होंने इन्वेंट किया है वो मैग्नेटिक फील्ड के सहारे एनर्जी क्रिएट करता है, वो चीज़ इन्होंने सेक्रेट रखा हुआ है। और ये जो बैटरियां लगी हुई है, अब ये मशीन को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे ये एनर्जी क्रिएट करती है और कितने बल्ब्स को जला पाती है। तो बने रहे हमारे साथ। देखिए अब मशीन स्टार्ट हो गई है और एक साथ 65 बल्ब्स जल चुके हैं। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कैसे 65 बल्ब्स जल रहे हैं। कुछ बल्ब्स फ्यूज होने की वजह से नहीं जल रहे हैं, लेकिन ये मैंने काउंट किया तो ये 62 बल्ब्स हैं, कुछ बल्ब्स फ्यूज हो गए हैं जिसकी वजह से नहीं जल रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी खोज है, कितना अच्छा इन्वेंशन है देवेश जी का, कि इस छोटे से मशीन से पूरे गांव को बिजली दी जा सकती है, क्योंकि ये 13,000 वाट बिजली क्रिएट कर रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं देवेश जी से कि आखिर इस मशीन को बनाने में कितना खर्च लगा है और क्या कुछ किया जा सकता है इस मशीन से। जी बताइए कितना खर्च लगा है इसमें। सर इस मशीन को बनाने में मुझे करीबन 4 लाख रुपया लगी है। 4 लाख रुपया लगा जी। मतलब
4 लाख रुपया लगाने के बाद कितने मेगावाट बिजली आप क्रिएट कर पा रहे हैं? मैं 13,000 वाट में तो पूरे गांव को बिजली दी जा सकती जी है। जी सर, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और क्या कुछ अपील करेंगे गवर्नमेंट से, क्या कुछ होना चाहिए इसको लेकर के? सर, मैं भारत सरकार अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस मशीन को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ, ताकि ये देश में आए और सभी देश की जनता के काम में इस्तेमाल हो और इससे देश आगे बढ़े। मतलब देवेश जी का कहना है कि ये जो मशीन इन्होंने बनाया है, इसको बड़े स्तर पर गवर्नमेंट के द्वारा इसे इम्प्लाई किया जाए, मतलब इम्प्लीमेंट किया जाए, और ये जो इन्होंने मशीन बनाया है इसका इनको पेटेंट चाहिए, क्योंकि ये सक्सेसफुल है। अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा कि कैसे इन्होंने बिजली क्रिएट करके दिखाया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है इस मशीन की कि पर्यावरण संरक्षण के दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जो भी पॉल्यूशन हो रहे हैं देश दुनिया में, जो पॉल्यूशन फैल रहा है फ्यूल से, जो फ्यूल से हम लोग गाड़ी बाइक चलाते हैं, मोटर कार चलाते हैं, ट्रेनें चलती है, हवाई जहाज चलती है, उनसे जो धुआं निकलता है उससे पर्यावरण काफ़ी दूषित होता है। लेकिन इन्होंने जो इन्वेंशन किया है, जो खोज इन्होंने की है, उससे इसको बहुत बड़ी राहत मिलेगी पर्यावरण को लेकर, क्योंकि इससे धुआं क्रिएट नहीं होता है, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है, जिसके वजह से पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि कम खर्चे में, बहुत कम लागत में बिजली क्रिएट की जा सकती है, और पूरे इसको बड़े स्तर पर अगर किया जाता है, बड़े स्तर पर इसका उत्पादन किया जाता है इस टेक्निक को लेकर, तो बहुत बड़ी बचत सरकार को हो सकती है। और इनका निवेदन है भारत सरकार से, खास करके मोदी जी से, जो मेक इन इंडिया चल रहा है इंडिया में, तो इन्होंने बहुत बड़ी खोज की है, और इसे हम लोग के टीम की का भी आग्रह है कि इसे इन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि आगे इससे भी बड़े स्तर पर कुछ कर पाएं। इनके पिताजी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं विद्या सिंह हूँ, देवेश कुमार सिंह का मैं फादर हूँ। मेरा घर तो आप जानते हैं तिलमापुर है, मेरा जिला तो सिवान सबको जानता है। और आप क्या चाहिए मुझे? ये बताइए कि जब आपके बेटे ने इस मशीन को बनाने की सोची, आपको जब आपको बताया होगा, तो आपको कैसा लगा, ये क्या संभव लगा कि हो सकता है? मैं भी साइंस का था जी, मैं भी मतलब ग्रेजुएट हूँ साइंस से, मैं उतना बिलीव नहीं कर रहा था जितना कि होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने बिलीव तो किया, पार्ट पार्ट बिलीव किया जी, और उसको मैंने प्रोत्साहित किया और हेल्प भी किया, टाइम टू टाइम हेल्प भी किया, और लास्ट में मुझे लगा कि नहीं, मेरा बेटा शायद आगे बढ़े ये लेकर के, मैंने उसको हेल्प किया। लेकिन मैं भी तो पुअर हूँ, मैंने जो सका उतना ही किया, और उसी से यहाँ तक ये लड़का पहुँचा है। क्या कुछ कठिनाइयाँ आई? आप तो हमेशा साथ में रहे होंगे, इन्होंने जब इस 9 महीने में इस मशीन को बनाया, तो आप भी तो साथ में होंगे, क्या कुछ कठिनाइयाँ आई इनके सामने? नहीं, वो हमेशा हम लोग से दूर रहता था, सोचता रहता था, कुछ करते रहता था जी जी। हम लोग उसको खाने के लिए भी नहीं मतलब बीच में बुलाते थे कि क्यों डिस्टर्ब करें, तो उसको हम लोग फ्री कर दिए थे, तो वो जो जब चाहे तब खाए, जब चाहे तब सोए, अपना करे करे करे। मतलब इन्होंने अपना 24 आवर्स डेडिकेट किया है इस मशीन को बनाने के लिए, हमेशा 9 महीने में, मतलब आप बहुत, इन्होंने जैसे बताया कि बहुत पहले से, नहीं पहले भी इन्होंने इन चीज़ों को मतलब हम लोग से कहा करता था, लेकिन एक्टिव जो हुआ तब, ये तो 9 महीना है। अच्छा, पहले भी इन चीज़ों को लेकर के हम लोग से बात करता था। जैसे उन्होंने बताया कि पिछले जब उन्होंने 2012 में कम्प्लीट की मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद से इनके दिमाग में ये चीज़ें, ये आइडिया आया, उसके बाद इन्होंने उस पर, उसके थ्योरी पे काम किया, अब जाके जो लॉकडाउन से पहले आए, इन्होंने इन्होंने जब घर आया तो इन्होंने शुरू किया इस चीज़ को। कॉपरेशन आपका पूरा फुल कॉपरेशन, जो मेरा जो क्षमता है उसके हिसाब से मैंने कॉपरेट तो किया जी। क्या कुछ मांग रहेगी गवर्नमेंट से आपकी, आपकी बेटे ने इतनी बड़ी चीज को इन्वेंट किया है, जो कुछ भी मेरा ने बेटा ने जो अचीव किया है, इसका गवर्नमेंट सही जगह पर रखे और उसका उसका यूज से देश को फायदा दिलाए, यही हमका कहना है, और क्या कह सकते हैं।
जी धन्यवाद। तो ये थे देवेश जी के पिताजी विद्या सिंह जी, जो बता रहे थे कि इनके बेटे ने दिन रात एक करके यानी 24 घंटे अपना डेडिकेट किया, 9 महीने, और 9 महीने क्या, 9 महीने तो इसे बनाने में इन्होंने लगाया है। 8 साल पहले इनके दिमाग में आइडिया आया था, जिसके बाद इन्होंने इस मशीन को इन्वेंट किया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने जो देखा कि ये पॉल्यूशन फ्री है, बहुत ही कम लागत में बनती है। जैसे इन्होंने बताया कि 4 से 5 लाख में इस मशीन को बनाया जा सकता है, और 4-5 लाख में पूरे गांव को बिजली देने का जो ये कह रहे हैं कि इससे पूरे गांव को बिजली दी जा सकती है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इन्होंने ही बताया कि इसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी यूज किया जा सकता है, इससे ट्रेनें भी चलाई जा सकती है बड़े स्तर पर बिजली क्रिएट करके। एक बार और हम इनसे बात कर लेते हैं कि अब अगला टारगेट क्या होगा आपका। सर मेरा टारगेट सरकार को इसको पहुँचाना है नरेंद्र मोदी जी से, और इसका इंस्टॉलेशन हर एक सेक्टर में हो, चाहे वो पावर जनरेशन में हो या ऑटोमोबाइल सेक्टर में या किसी भी डोमेस्टिक। मान लीजिए अगर गांव शहर में बिजली एबंडेंट क्वांटिटी में है तो हम लोग बिजली से भी खाना बनाया जा सकता है, एलपीजी गैस सिलेंडर का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ चुकी है जिससे कि खाना बन सकता है बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। आपने ये डीजी बनाया हुआ है, मार्केट में जो डीजी मिलता है जिससे फ्यूल से जो चलता है उससे, और इसमें कितना अंतर है? सर दोनों में अंतर बहुत है। एक तो सर वो फ्यूल से चलती है, पेट्रोल डीजल से, और वो पोल्यूशन भी इमिट करती है। और देखा जाए कैपेसिटी में ये 8 गुना ज़्यादा है जी डीजल जनरेटर से, मतलब जितने जो गैजेट्स हैं उससे 8 गुना ज्यादा गैजेट्स इस पे चलाए जा सकते हैं, उतने ज्यादा पावर के गैजेट्स चलाए जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में एक चीज है। जी सर जी। तो ये थे देवेश जी, और हम अभी थे तेलमापुर में जो सिवान का एक छोटा सा गाँव है। इन्होंने बहुत बड़ी एक मशीन को बनाया है, बहुत बड़ी खोज है, एक बहुत बड़ा आइडिया है जिसे सरकार अपने कामों में इम्प्लीमेंट कर सकती है। और गुजारिश रहेगी पूरे स्थानीय प्रशासन से और पूरे जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे कि इस आइडिया को बड़े स्तर पर यूज किया जाए और इन्हें आगे बढ़ाया जाए, इन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाए। अपने सहयोगी रंजन के साथ मैं अमित सिवान, न्यूज। SCC Solar Street Light, NSIC, ISO and CE approved Government of India, शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय नियमता के अनुसार लगाया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।